अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी का इस्तेमाल हो रहा है, हर सेंटर पर निगरानी है। कल पहला दिन बहुत शांतिपूर्ण यह परीक्षा हुई, नियम कायदों के तहत हुई। ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ऐसा कोई सवाल सामने नहीं आया जिसके जरिए ये बोला जा सके या कहा जा सके कि इस परीक्षा में किसी तरीके की गड़बड़ी दिख रही है। जो परीक्षार्थी थे उनको पूरी चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया गया और इस परीक्षा की शुचिता प्रभावित ना हो उसके लिए पुलिस काफी मुस्तैद देखी। में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षा होनी है। आज 24 अगस्त है। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 67 जिले हैं जहां पर 1174 केंद्र बनाए गए हैं और इन जिलों की स्थानीय पुलिस इन केंद्रों पर सुरक्षा और इस परीक्षा की शुचिता प्रभावित न हो उसके लिए जिम्मेदार बनाई गई है। के पास मौजूद चीजों की जांच की जा रही है। परीक्षार्थी किसी भी तरीके से कोई अनुचित साधन का इस्तेमाल ना कर सके इसको पूरी तरीके से कड़ाई के साथ पक्का किया जा रहा है कि ऐसा ना हो, किसी भी स्थिति में ना हो। परीक्षार्थी अपनी परीक्षा अपनी तैयारी और अपनी मेहनत के आधार पर ही दें। उधर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा सख्त है। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 3 स्तरों पर अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है, जो जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिल रही है। 67 जिले, 1174 केंद्र, उत्तर प्रदेश सिपाही पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा का आज 24 अगस्त को दूसरा दिन है। कल पहले दिन 2 पालियों में सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के कुल 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। कल पहले दिन की परीक्षा में सभी एग्जाम सेंटर्स पर प्रशासन की काफी सख्ती रही। हर परीक्षार्थी की, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, सख्त चेकिंग की गई। कानपुर में परीक्षार्थियों के जूते चप्पल उतरवाए गए, लड़कियों के तो लखनऊ में राखी कलावा तक उतरवा दिया गया। साफ सुथरा और बगैर फर्जीवाड़े के एग्जाम कराकर सीएम योगी ने एक मिसाल सामने रखवा दी है। प्रशासन की सख्ती ऐसी रही कि आगरा में एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ लिया गया। रायबरेली में एक अभ्यर्थी के ब्लूटूथ से निकल करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री यासिर शाह के खिलाफ पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में FIR भी दर्ज कर ली गई है। यानी पुलिस कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही जिससे कोई भी अनुचित साधन का इस्तेमाल हो या फिर बिना कहे बिना सबूत के अफवाह फैला रहा हो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई।